नमस्कार, 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शन गुप्ता। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी रैली को संबोधन करेंगे। 20 तारीख को जम्मू का जो एमएम स्टेडियम है उसे सुरक्षा को देखते हुए सील कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इस रैली को कामयाब किया जाए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए और इसके लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और रेलवे मंत्री भी जम्मू में आ रहे हैं इंतजाम को देखने के लिए और पूरे का पूरा संगठन इस बात पर लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री इस अपनी यात्रा के दौरान जम्मू के अंदर आईआईटी, आईएएम, एम्स और रियासी का जो सबसे बड़ा एशिया का जो रेलवे ब्रिज है और देवका जो प्रोजेक्ट है इन सब का उद्घाटन करेंगे। जिस तरह से पहले भी हमने समय समय बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कार्य क्षेत्र में उनका जो संसदीय क्षेत्र है उनके अंदर जितने भी काम हुए हैं ये सारे के सारे उन्हीं में आते हैं, इन सब का उद्घाटन करेंगे और इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी इन दिनों यहां भी जा रहे हैं क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है, सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इस दौरान यहां भी जाते हैं, वे बहुत बड़े तोहफे देते हैं। ये सब चीजें तो इससे पहले उन्होंने दी थी जम्मू के लिए और इसके लिए अब सिर्फ उद्घाटन करना है। लेकिन एक बहुत बड़ी जम्मू के अंदर मांग है जिसे प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, लेकिन दुख की बात है कि हमारे स्थानीय जो नेता है इस बात को वहां तक नहीं पहुंचा पाए। पिछले 70 सालों से जम्मू के लोगों के गर्दन के ऊपर कस्टोडियन की जो तलवार लटकी हुई है वो कोई नहीं हटा पा रहा। वहां के गरीब जनता जो है वो बड़ी मुश्किल से एक एक दो दो मरले में जमीन में मकान बना के बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें कभी हक नहीं मिलते, राइट्स नहीं मिलते। हर दूसरे दिन कभी म्युनिसिपैलिटी वाले, कभी जेडी वाले और कभी कस्टोडियन वाले उन्हें तंग करते हैं। उन्हें यहां यही कहा जाता है कि कभी भी वो पीओजे किसे लोग आएंगे और आपसे जमीनें खाली करवा के हम उनको दे देंगे। अब 70 साल से तिनका तिनका करके आशियाना जिन्होंने बनाया है उनकी गर्दन पे आप तलवार लटका के बैठे हो। एक तरफ से कह रहे हो पीओजे के हम लेके रहेंगे, पीओजे के हम हमारा है, और दूसरी तरफ से इन गरीब लोगों को जीने नहीं दे रहे हो। जम्मू में आ रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री इस बात पे गौर करेंगे? क्या जम्मू के नेता प्रधानमंत्री के कानों तक इन बातों को पहुंचाएंगे? तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया जा चुका है। इस हमले को अंजाम देने वाले आदिल कारी यासी, सज्जाद भट्ट, उमर फारूक, मुदस्सिर अहमद खान आदि सभी मारे जा चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अहम भूमिका निभाई। एनआईए ने हमले को अंजाम देने वालों को 1 साल तक अपने पास रखने और हमले में शामिल कार में आरडीएक्स लगाने वाले शाकिर बशीर मागरे को पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया था। वह हमले को अंजाम देने वाले आदिल अहमद का खास दोस्त था जो पुलवामा के लेतपुरा में फर्नीचर की दुकान चलाता था। इस मामले में एनआईए ने पुलवामा के हाजीवल काकापोरा से मागरे को गिरफ्तार किया था। मागरे ने ही इस हमले को अंजाम देने वालों की मदद की थी। वर्ष 2018 में जैश के पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद उमर फारूक ने शाकिर की मुलाकात आदिल डार से कराई। इसके बाद शाकिर जैश के लिए फुल टाइम काम करने वाला वर्कर बन गया। पुलवामा हमले का तानाबाना 2018 में बुन लिया गया था, जिस समय शाकिर की आदिल से मुलाकात हुई उसके बाद आदिल और फारूक दोनों शाकिर के घर रहने लगे। शाकिर ने ही कार में रखे हुए विस्फोटों को तैयार किया था। शाकिर की दुकान लेतपुरा पुल के पास ही थी, वहीं से वह सीआरपीएफ काफिले की मूवमेंट पर नज़र रखता था और जनवरी में मूवमेंट की पूरी डिटेल शाकिर ने आदिल व फारूक को दे दी। फरवरी साल 2019 के पहले सप्ताह में ही इको कार में एमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रो ग्लिसरीन और आरडीएक्स लगाया गया। कार को पूरी तरह से मॉडिफाइड किया गया ताकि किसी को शक न हो। बता दें कि एनआईए की टीम ने आदिल के डीएनए जांच के लिए नमूने लिए थे। इसके बाद एनआईए ने आदिल के पिता के खून के सैंपल लिए, आदिल से डीएनए मैच किया और इससे उसकी पहचान हुई थी। 14 फरवरी 2019 का दिन यानी आज का दिन भारत के इतिहास में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन आतंकियों द्वारा घात लगाकर पुलवामा में हमारे 40 सैनिकों को
शहीद किया गया था। इसी को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने पुलवामा में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कि हमें अपने देश के प्रति देशभक्त होना चाहिए और अपने सेना पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान शहीद होते हैं उनको याद करना चाहिए, उनकी जीवनी से कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से देश के लिए जिया जाता है और किस प्रकार से देश के लिए अपने प्राणों को की आहुति जो है वो दी जाती है। इन 40 से ज्यादा जो जवान हमारे शहीद हुए इनको आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि एक दिया शहीदों के नाम पर जो है 14 फरवरी को जो है वो जलाया जाए ताकि इन जवानों को अपने दिल से एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है जो अर्पित की जाए। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जयंश गुप्ता व अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो जाम्बू जू हो, केबल कार प्रोजेक्ट हो, बागे बहू में लगा ओपन सिनेमा हो, इन जगहों पर जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे का इस्तेमाल किया गया है लेकिन उसका रेवेन्यू कुछ भी नहीं आ रहा है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। टैक्स पेयर के पैसों को बर्बाद किया जाता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जम्बो जू में कितना करोड़ों अरबा खरबा में लगाया, इतनी लैंड यूटिलाइजेशन की, लेकिन बाद में उसका क्या रेवेन्यू क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। वहां पर फैसिलिटीज नहीं है आज, जबकि वहां पर काफी लोग जाने चाहिए, नॉट ओनली जम्मू डिवीजन से बाहर के भी लोग आने चाहिए, वहां पर फुटफॉल होना चाहिए, वहां से कमाई होनी चाहिए, लेकिन वहां से कोई कमाई नहीं आ रही। उल्टा जम्मू के लोगों का ही पैसा उसको पे लगाया जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए। मैं बात करूंगा केबल कार प्रोजेक्ट, अगेन वही चीज करोड़ों खरबों पे लगाया गया है, लेकिन आज भी वहां पर फुटफॉल नहीं है। हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाता है। मुझे लगता है ये जो प्रोजेक्ट है बड़े इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे जहां पर ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, फुटफॉल होता है, कमाई होती है, टूरिस्ट आता है, रेवेन्यू आता है, और वो पैसा सरकार डेवलपमेंटल के लिए काम लगाती है। अगेन मैं बात करूंगा हमारे बाहुपुर में, बागे बहू में, वहां पर ओपन सिनेमा लगाया गया है, म्यूजिकल फाउंटेन है, लेकिन कोई नहीं, ये भेदभाव हम जम्मू लोगों के साथ क्यों होता है? इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहेंगे कि आप होश में आओ। 14 फरवरी 2019 जिसे कि काला दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है, आज के दिन पुलवामा में आतंकियों ने घात लगाकर हमारे जवानों को शहीद किया। इसी को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आज शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि पूरे भारत में ही बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ब्लैक डे है, आज के दिन हमने अपने वीर जवानों को खोया है, और ये सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हमें जो 40 जवानों की क्षति है ये पूरी आयु के लिए है, पूरे समय के लिए है। मैं आज के दिन अपने वीर जवानों को विनम्र भाव से पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और अपने वीर युवा साथियों को अपील करता हूं कि हम अपने राष्ट्र को कदापि समाप्त नहीं होने देंगे। यदि हमें भी अपने भारतीय सेना के सहयोग की आवश्यकता पड़े तो हमें भी आगे आना चाहिए। यदि हम किसी अपरिचित मानव को अपने समाज में, अपने घरों में एक आध सैनिक हमारा बलि चढ़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हम जैसे नौजवानों का भी ये दायित्व बनता है कि हम अपनी सेना का सम्मान करें और उनके हर ऑपरेशन में। आज बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही खुशी और ऊर्जा के साथ मनाया गया। हर तरफ लोगों में खुशी देखी गई, लोगों ने पीले वस्त्र धारण किए और माँ सरस्वती के जन्म दिवस पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसे मौसम परिवर्तन के रूप में भी मनाया जाता है। हर तरफ इस त्योहार को लेकर खुशी और ऊर्जा लोगों में देखी गई। रिवायत हॉल का टेंडर अपने चहेते को देने और गार्बेज के नाम पर दुकानदारों को तंग करने के विरोध में पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उधमपुर म्युनिसिपल विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पहले 100 रुपया सफाई के नाम पर लिया जाता था लेकिन सफाई होती नहीं है, अब 250 रुपया कर दिया गया है। जितना दिल चाहे उतना रेट इनकी तरफ से बढ़ा दिया जाता है और सर्विसेज जो लोगों को मिलनी चाहिए वो मिलती ही नहीं है। इस किस्म के रोजाना के नए नए कानून थोप कर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है।
और जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने कहा सफाई कर्मचारी और ज़्यादा लगाइए और जो लगे हुए हैं उनको पक्का कीजिए ताकि वो और ज़्यादा मेहनत से उनका मोराल बढ़ सके और वो ज़्यादा मेहनत कर सके और ज़्यादा काम जो है आप सिर्फ उनसे काम लेंगे और रेगुलराइज नहीं करेंगे ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और सफाई कर्मचारियों का आपको नंबर बढ़ाना होगा और जो किराया आप बार बार बढ़ाते हैं लोगों के ऊपर एक बोझ आप डाल रहे हैं ये एक लूटपाट है जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक भारी रोष है एक भारी गुस्सा है। और इस संदर्भ में फौरी तौर पर एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो म्यूनसिपल काउंसिल को लेना होगा जो वो नहीं ले रहे हैं। और रिवायत के टेंडर अगर जल्द से जल्द नहीं हुए तो भारी पैमाने के ऊपर यहाँ एजिटेशन चलेगी। हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को भी कहा है विजिलेंस को भी कहा है और फौरी तौर पर अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो सबके पुतले यहाँ जलाए जाएंगे और भारी पैमाने के ऊपर एक आंदोलन इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शुरू किया जाएगा। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।